आप संगम जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, व्यूज बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, कैसे पहाड़ियों को काट के दो नदियों का संगम है, उसके ऊपर ब्रिज है, मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आगे निकल चुके हैं वहाँ से हम और अब हम लूप्स को क्रॉस कर रहे हैं जो नाको से पहले हैं। ये 6-7 लूप्स हैं, काफी ऊपर तक गाड़ी चढ़ जाएगी, ये थोड़ी देर बाद आ जाएगा नाको जहाँ पे हम अपना लंच करेंगे। आई थिंक विद इन हाफ एन आवर वी शुड रीच नाको। बाकी यार अब यहाँ से हम हाइट गेन करना शुरू कर देंगे बहुत तगड़े वाली। नाको के आसपास हम लोग स्पीति में भी एंटर कर जाएंगे। पहुंच गए हैं नाको, लगभग 1 बज चुका है और अपना लंच का टाइम हो गया है। ये है भाई यहाँ का कुछ व्यू, मलिंग नाला यहाँ से शायद 2 किलोमीटर है, वहां पे अपने को थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो मिलेगा बट होगा 100-200 मीटर का पैच। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मलिंग नाला इज क्लियर। यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां हैं, अगर आप भी इस तरफ आ रहे हो तो नाको इज द प्लेस जहाँ पे एक अच्छा लंच का स्पॉट बनता है। ये थाली है, दाल चावल है ना, दाल चावल कढ़ी चावल। खाने में कैसा है ये? कोई घी की सब्जी लग रही है। अच्छा बढ़िया एकदम। लंच हो गया अपना, इतना ज्यादा अच्छा लंच ना शायद अभी तक की ट्रिप का सबसे अच्छा और सबसे सिंपल एंड बेस्ट फूड मुझे यहाँ मिला। हमने थाली ली थी जिसमें दाल राजमा कढ़ी प्लस चावल प्लस रोटी और छाछ। भैया सुना रहे हैं, दाल राजमा कढ़ी चावल और रोटी और साथ में हमने छाछ ऊपर चली। जो एक थाली है उसका प्राइस है 200 रुपये और जो छाछ है वो 60 रुपये, तो टोटल बिल अपना आया 3 लोगों का 660 रुपये। और खाना एकदम हेवनली यार। एक बात बताओ, बिल्कुल सही सही, खाना कैसा लगा? बढ़िया, अभी तक का बेस्ट ट्रिप का सेम है। बढ़िया, तेरे को दाल और राजमा और कढ़ी में सबसे क्या लगा? सही, कढ़ी। तेरा क्या था? कढ़ी। मेरा दाल, मैं वैसे भी दाल लवर हूँ तो मुझे तो दाल बहुत अच्छी, पर ओवरऑल वेरी मच वर्थ। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही टाइम पे हमने ब्रेक ली और बिल्कुल सही हमने खाना खाया है ना। वही अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं मलिंग नाला, ये भी बहुत परेशान करने वाला सेक्शन है। अब देख लेते हैं इसकी करंट कंडीशन क्या है। शुरुआत में तो रोड टूटी हुई है, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, आराम आराम से यहाँ से गाड़ी निकालेंगे। आगे वाली गाड़ी भी वेट कर रही है। बहुत ही खतरनाक सेक्शन है यार, बहुत आराम से गाड़ी निकाल ली है यहाँ पे। इन लोगों की गाड़ी भी अटक रही है थोड़ी थोड़ी, या हो सकता है ये लोग एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चला रहे हैं क्योंकि नीचे लगने के थोड़ा सा चांसेस होते हैं। मुझे भी यहाँ पे बहुत धीरे करके चलानी पड़ेगी। फर्स्ट गियर में मैंने गाड़ी डाल दी है ताकि गियर चेंज करने की जरूरत ना पड़े और गाड़ी गियर चेंज भी ना करे। थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग भी टाइप है यहाँ पे, मुझे बहुत आराम से निकालने क्योंकि यहाँ पे हल्का सा ये डिप है। ठीक है, सो फार सो गुड। नीचे पत्थर हैं, ये सर ये दिख गया भाई, इसको तो हटा देना चाहिए। चलो जी ऑल गुड, मेरे हिसाब से इतना ही था, आगे देख लेते हैं, शायद थोड़ा सा और हो तो पता नहीं। ठीक है यार, अभी तक करंट कंडीशन सही है बिल्कुल, मलिंग नाला की कोई टेंशन नहीं है। हल्का हल्का ऊपर से पानी जा रहा है जो कि स्लो स्पीड पे है और इजीली मैनेजेबल। मेरे आगे एक सेडान भी निकली थी, वो भी आराम से निकल गई। अब हमें रोड खराब मिलेगी तो वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। क्या हो सकता है ये थोड़ा सा सेक्शन ही जो है आगे दिख रहा है 200-300 मीटर का यही खराब मिले, आगे फिर से रोड ठीक हो जाए, ये भी हो सकता है। बाकी काम यहाँ जोरों शोरों पर हो रहा है, लगे हुए हैं भाई PRO के लोग। भाई हम लोग पहुंच गए हैं सुमदो, यहाँ पे भैया गाड़ी का नंबर नोट कर रहे हैं और कोई पर्ची काट रहे हैं, शायद स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का आ जाए ताबो स्पीति डेवलपमेंट फीस। 2:30 बज गए हैं इस समय, 137 किलोमीटर टोटल अभी तक गाड़ी चली है, एवरेज आ रही है 13.6, 5 घंटे में 137 किलोमीटर, तो थोड़ा सा तो स्लो है अपनी स्पीड। और काजा के बच्चे हैं 75 किलोमीटर। के बाद सारी रोड बहुत छोटी और बहुत खतरनाक रास्ता है, टारमैक बिछी हुई है लेकिन भाई टोटल शूटिंग स्टोन एरिया और
भाई, मतलब बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। अगर कोई भी गाड़ी आ जाती है तो आपको बहुत दूर से जज करना है कि वो गाड़ी आ रही है, और लेफ्ट राइट पे देख के उसके लिए पहले ही जगह बना के रखनी है, और वो भी सेम करेगा बंदा जो सामने से आ रहा होगा, तभी यहाँ पे आप चल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे चलना पॉसिबल नहीं है क्योंकि रोड बाकी बहुत ज्यादा छोटी है। कम से कम 50 किलोमीटर का ऑफ रोड है, इतनी बुरी हालत हो रखी है ना, जैसे ही हम सुमदो से आगे बढ़े हैं तो उसके बाद रोड एग्जिस्ट नहीं करती, ऊपर से खतरनाक रोड, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं और ऊपर से हमारी स्पीड जो है वो 20 से ऊपर जा ही नहीं। ये अब काजा अप्रोच कर रहे हैं, लगभग 9 किलोमीटर रह गए और अब रोड अच्छी है, और स्पीति की पूरी रोड ऐसी ही होती थी पहले, पता नहीं क्या हो गया, इन लोगों ने कितने सालों से रिपेयर नहीं किया या पता नहीं क्या हो गया। टेम्परेचर अभी बाहर का 21 डिग्री है, मुझे नहीं पता काजा में जीरो कैसे रिपोर्ट कर रहा है इंटरनेट, जो अपना मिनिमम होगा वो कितना होगा, 10-8 लोग स्टिल जीरो टच कर जाता है तो आई विल बी सरप्राइज। जब हमने कल्पा से स्टार्ट किया था तो GPS दिखा रहा था 2:10 का ETA, और हमने सोचा था कुछ भी कर लें, कितना भी रुक जाए, कितना भी खाना खा लें, कितनी ब्रेक ले लें, 5 तक पहुंच जाएंगे। भाई 6 हैं और अभी 8.5 किलोमीटर अभी और बाकी है। भाई शाम के 6:15, 8.5 की ड्राइव और लगभग 1.5 की ब्रेक्स लेके टोटल हम लोग 10 गाड़ी चला के कल्पा से पहुंचे हैं काजा। कमर दर्द हो रही है, टांगे दर्द हो रही है, ऑटोमेटिक गाड़ी में भी जब टांगे दर्द होने लग जाए ना तो भाई कुछ ज्यादा ही जुल्म हुआ है। खैर अभी हम अपने होटल में पहुंच गए हैं, अच्छा लग रहा है देखने से, प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है। काजा का जो इंडियन ऑयल है ये प्रॉपर्टी उसके पीछे है, और इंडियन ऑयल के ऊपर से टर्न करके ये रोड इस तरफ नीचे आ रही है, यहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। अब आगे चलते हैं, मैं प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। इसका नाम है GAA-KIT होटल एंड रेस्टोरेंट जो भी है, मैं सिर्फ ऑनलाइन रिव्यूज देख के आया, बट फर्स्ट इम्प्रेशन इज एटलीस्ट गुड। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। बॉनफायर करोगे? इसका चार्जेबल है। अच्छा, ऊपर सारा रूम्स वगैरह है, ये यहाँ पे अंदर इनका रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है यार, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ऐसे लग रहा है न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। सांस चढ़ रहा है भाई। यहाँ पे रिसेप्शन है, सो दैट्स द रूम, नीट एंड क्लीन वॉशरूम, बहुत अच्छा है यार, बहुत ही साफ सुथरा, गीजर लगा हुआ, ऐसे लग रहा है नई प्रॉपर्टी है पूरी। यहाँ पे एक कबर्ड है, यहाँ से व्यू देख लेते हैं। व्यू तो कुछ खास नहीं है, नीचे वही बॉनफायर वाला एरिया दिख रहा है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, कोजी है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ठंड भी लगेगी। ये यहाँ इस तरफ 2 चेयर्स भी हैं, साफ सुथरी, बढ़िया क्लीनिंग हो रखी है यहाँ पे अच्छी। यहाँ पानी पड़ा है, 2 ग्लास है, अच्छी बात यह है प्लास्टिक बॉटल्स यूज नहीं हो रही। मुझे तो कर्टन्स भी अच्छे लग रहे हैं, मेरी हालत काफी खराब हो चुकी है भाई, सांस चढ़ रहा है, थोड़ा सा अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, पानी वानी पीना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके तबीयत ठीक होगी। कल्पा से काजा की 5 की जर्नी हमने 10 में कवर की है। तो एनीवे, कल हम जाएंगे हिकिम कॉमिक लांगजा एंड शायद चीचम भी, अगर टाइम परमिट करेगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द ब्लॉग डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ कल आपसे नए ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।